नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश दुनिया की ताजा तरीन टॉप 10 खबरें। संसद में आज भी विपक्ष के सांसद अपना विरोध जारी रखेंगे। कई सांसद काले कपड़े पहनकर संसद पहुंचने की तैयारी में है। विपक्ष की मांग जल्द से जल्द अविश्वास प्रस्ताव पर बहस कराने की है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में जोरदार बारिश हुई है, जिसकी वजह से हालात बेकाबू हो गए। मौसम को देखते हुए जिले के स्कूलों को बंद कर दिया गया है। मुंबई यूनिवर्सिटी ने भारी बारिश के रेड अलर्ट के बाद आज होने वाली सभी परीक्षाएं स्थगित कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने केरल दौरे के दौरान कोट्टकल ने श्री विश्वंभरा मंदिर में पूजा अर्चना की। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी और एनडीएमसी अधिकारियों के साथ 11 मूर्ति, 3 मूर्ति और अकबर रोड इलाके का निरीक्षण किया। मूसलाधार बारिश के कारण तेलंगाना में झरने के पास 42 पर्यटक फंस गए। एनडीआरएफ उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। वहीं बारिश को लेकर राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं किसी भी दबाव के आगे नहीं झुकूंगा, किसी के शरण में नहीं जाऊंगा, जीतने तक मैं लड़ता रहूंगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी नेता कुलदीप चहल के बीच एनडीएमसी की बैठक में बाढ़ के मुद्दे को लेकर बहस का एक वीडियो सामने आया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा से पहले विपक्ष हमलावर हो गया है। मोदी सरकार के खिलाफ संसद के दोनों सदनों में विरोध जारी है। गुरुवार को कई सांसद काले कपड़े पहनकर सदन में पहुंचे। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार अपनी अपकमिंग फिल्म OMG 2 को लेकर चर्चा में है। एक्टर ने फिल्म का नया गाना भी रिलीज कर दिया है। ऐसी टॉप 10 खबरों के लिए देखते रहिए NBC News। धन्यवाद।